अगर इतना डिलीशियस चिकन रोल आपको घर पे ही मिल जाए तो आपको तो रेस्टोरेंट से चिकन रोल खरीद के खाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अंदर की जो चिकन है ये बहुत ही ज़्यादा जूसी है, इसे हमें एकदम ही अपने स्टाइल से बनाया है। आई होप ये रेसिपी आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मामानिस किचन पर आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी ड्राई चिली चिकन रोल। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। चिकन रोल बनाने के लिए रोल की जो रोटी या फिर पराठा होती है, सबसे पहले हमें उसकी डो को तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक घंटे पहले एक कप मैदा को अच्छे से गूंथ के इसे ढक के रख दिए थे। ये अभी कितना सॉफ्ट हो गई है। जैसे नॉर्मल पराठे की डो तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह हमें डो तैयार करना है। ये डो बनाना आपको नहीं आता है तो इसकी वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अब हम ये डो में से लुइया तोड़ लेंगे। आप ये रोल जितना बड़ा या फिर छोटा करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ये लुइया को तोड़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा साइज में रोल बनाऊंगी, इसलिए मैं दो बड़ा साइज में लुइया तोड़ लिया है और एक छोटा, इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब हम क्या करेंगे, चकले के ऊपर ऑयल लगा देंगे अच्छे से, ताकि ये डो ये चकला के ऊपर ना चिपके। फिर एक लुइया को दोनों हाथों के बीच में रख के इसे घुमा के अच्छे से चिकना बना देंगे। और इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालना है ताकि ये लुइया भी चकला के साथ ना चिपके। अब हम इसे बेलेंगे और बेलन के ऊपर भी आप थोड़ा सा इसे रिफाइंड ऑयल लगा दीजिएगा, नहीं तो ये बेलन के साथ भी चिपक सकता है, क्योंकि ये डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम इसे बेल के जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा पराठा तैयार करेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है। आप देख ही सकते हैं ये डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप ये डो को जितना सॉफ्ट बनाएंगे आपकी जो पराठा होती है उतना ही सॉफ्ट बनेगी, तो आपकी रोल भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगेगी खाने में। तो चलिए इसे पहले बेल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं जितनी बड़ा हो सके लुइया को बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर एक टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखी मैदा हमें छिड़क देना है। फिर हम हल्के हाथों से इसको लगा देंगे, कोई भी जगह ना छूटे, क्योंकि आज मैं लच्छेदार पराठा बनाऊंगी। और अब हम ये पराठा को कट करेंगे, ये देखिए बीच में से बाहर की तरफ। और अब हम एक किनारे को उठा के इसको रोल ऐसे करते जाएंगे। इसे करना बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पे देखिए कितना सारा लेयर्स बनी है। तो उंगली से इसे हल्के हाथों से दबा के अंदर की तरफ भर देना है और इसे हमें हल्के हाथों से दबा के एक पेड़ा की शेप दे देना है। ये देखिए, तो एक पेड़ा हमारा बन गई है। इसके ऊपर भी हमें एक टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के रखना है ताकि एक एक लेयर निकल कर बाहर आए। तो ठीक इसी तरह मैं दूसरी पेड़ा को भी बना लेती हूँ। आप चाहे तो इसे ढेर सारा लच्छेदार पराठे की पेड़ा बना करके एयर कंटेनर बॉक्स में भर के फ्रिज के अंदर 7 से 8 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और आपको जब भी मनपसंद हो आप इसे फ्रिज से निकाल के इसे फ्राई करके रोल्स बनाकर खा सकते हैं, या फिर आप इसे प्लेन पराठे की तरह भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी पेड़ा को भी मैं रेडी कर लिया है। तो इसे भी प्लेट के ऊपर रख के एक सूती के कपड़ा से ढक के साइड में रख देते हैं ताकि ये ऊपर से ना सूखे। और अब चलिए चिकन को रेडी कर लेते हैं। और अब हम रोल्स के लिए ड्राई चिली चिकन तैयार करेंगे, इसलिए मैं गैस को पहले से ऑन करके पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। फिर हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैं 200 ग्राम बोनलेस चिकन को मीडियम शेप में से थोड़ा सा छोटा शेप में क्यूब करके काट लिए थे और इसे मैं पहले से वॉश करके रखा था। इसके साथ साथ ये हमें 2 टेबल स्पून क्रश की हुई लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। 2 पिंच हल्दी और 1 पिंच ब्लैक पेपर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके ये चिकन को हमें 2 से 3 मिनट तक हल्का सा फ्राई होने देना है ताकि ये चिकन की कच्चापन थोड़ा सा चला जाए। फिर हम इसके अंदर बाकी सारे चीज़ ऐड करेंगे और 20-20 में हमें इसे ऐसे चला देना है, नहीं तो चिकन की एक तरफ जल जाएगी और दूसरी तरफ कच्ची रह जाएगी। तो 2 से 3 मिनट तक चिकन को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून भुनी हुई जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून क्रश की हुई अदरक, 2 टेबल स्पून विनेगर, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता और 1/2 बारीक कटी हुई लाल टमाटर। अब इन सारी चीज़ों को हमें चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी तरह चलाते हुए ये चिकन को हमें और 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं, मैं रेड चिली सॉस डाला है, इससे कलर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। और ये सोया सॉस में भी नमक होती है, इसलिए आप नमक थोड़ा सा कम डालिएगा। और अब हमें गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके इसे कवर करके 6 से 7 मिनट तक पका लेना है ताकि चिकन अंदर से भी अच्छे से बॉइल हो जाए। लेकिन हर 2 मिनट बाद इसकी कवर को हटा के हमें नीचे से एक बार चला देना है, नहीं तो चिकन की एक तरफ ज्यादा जल जाएगी और दूसरी तरफ कच्ची रह जाएगी। तो लास्ट बार के लिए इसके कवर को हटा देंगे और इसे नीचे से एक बार चला देते हैं। इसे मैं टोटल 6 मिनट तक पका लिया है
और आप देख ही सकते हैं चिकन अंदर से अच्छे से बॉइल्ड हो गई है, इसकी कलर भी डार्क हो गई है, ये पहले से बहुत ड्राई भी हो गई है। अब हम इसके अंदर बाकी चीज़ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज की प्याज को पतला पतला पीसेस में स्लाइस कर लिए थे, इसे डालेंगे। और हाफ पतला पतला पीसेस में स्लाइस की हुई कैप्सिकम, इसके साथ साथ ही हमें हाफ टी स्पून चिकन मसाला भी डाल देना है, इसकी वजह से भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसे एक बार अच्छे से मिला देते हैं। और अभी मैं गैस की फ्लेम को फिर से एकदम ही लो पे करके इसे कवर करके बस 2 मिनट तक थोड़ा सा पकने देंगे। 2 मिनट के बाद कवर को हटा के इसे नीचे से एक बार चला देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ड्राई चिली चिकन बनके एकदम रेडी है। इसमें से तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल रही है, इसे खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे साइड में थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए अब पराठा को तैयार कर लेते हैं। अभी पेड़ा के ऊपर से सूती की कपड़ा को हटा देंगे, ये पेड़ा पहले से और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, तो इसे अब हम बेलेंगे। तो चकला के ऊपर मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ और ये लुइया के ऊपर भी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। अब हम इसे बेलेंगे, हल्के हाथों से इसे बेलना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। चकला को ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे और इसे बेलते जाएंगे। यहाँ पर मैं एक पराठा को तो बेल लिया है, तो चलिए गैस को ऑन करके इसे फ्राई कर लेते हैं। और इसे फ्राई करते करते मैं दूसरी पराठा को भी बेल लूंगी। तो गैस को मैं फिर से ऑन करके तवा को रख दिया है और ये तवा अच्छे से गर्म भी हो गई है। अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। फिर हम इसके अंदर हल्के से पराठा को रख देंगे और ये पराठे की एक एक तरफ हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। फिर हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखना है। एक एक पराठा को हमें 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इसके ऊपर आप जब देखेंगे थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर का स्पॉट आ जाएगी, तब आप समझ लेना ये पराठा अच्छे से फ्राई हो गई है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर तक इसे फ्राई करने के बाद आप देख ही सकते हैं पराठे के ऊपर कैसे गोल्डन कलर का स्पॉट आई है, यानी कि ये पराठा अच्छे से फ्राई हो गई है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठा बनी है, एकदम रोल के लिए परफेक्ट पराठा तैयार हुई है। तो इसे मैं प्लेट के ऊपर उठा के रख देती हूँ और अब चलिए अंडा को भी रेडी कर लेते हैं। और अब हम एक खाली बाउल के अंदर 2 अंडा को फोड़ लेंगे क्योंकि मैं एक एक रोल 2 अंडा से बनाऊंगी। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 पिंच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे हम अच्छे से फेंट के मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा अंडा बिल्कुल रेडी है, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और अब हम फिर से गैस की फ्लेम को ऑन करके तवा के ऊपर 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम इसके अंदर अंडा को डाल देंगे। और ये अंडा जमने से पहले इसके ऊपर हमें पराठा को रख देना है और एक स्पैचुला से इसे हल्का हल्का दबा देना है ताकि पराठे के साथ अंडा अच्छे से चिपक जाए। और ये साइड से जो अंडा निकल रही है इसे हम ऐसे थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि अंडा बाहर ना निकल पाए। और गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए ये अंडा की इस तरफ हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई होने देना है। फिर हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। अंडा की इस तरफ तो अच्छे से फ्राई हो गई है, अब मैं ये पराठे की इस तरफ भी और 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। फिर हम इसको प्लेट के अंदर उठा लेंगे। ठीक इसी तरह मैं दूसरे पराठा को भी तैयार कर लेती हूँ। और ये चिकन रोल बनाने के लिए हमारा अंडा से कोट की हुई पराठा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और रोल बनाना शुरू करें। और यहाँ पे हमारा ड्राई चिली चिकन भी थोड़ा सा ठंडा हो गई है, यह अभी गुनगुना गर्म है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसे ड्राई चिली चिकन इसे अंडा से कोट की हुई पराठे के ऊपर रखेंगे। ऐसे हमें एक ही साइड में रखना है क्योंकि इसे हमें अच्छे से रोल भी करना है। फिर हम इसके ऊपर स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे, 1 टीस्पून टोमेटो केचप इसके ऊपर डाल देते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, इसकी वजह से बहुत ही अच्छे से टेस्ट आएगी, थोड़ा थोड़ा खट्टा लगेगी तो खाने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगी। और ये लेमन जूस की खट्टापन को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर हमें बस 1 पिंच काली नमक इस तरीके से छिड़क देना है। अब हम इसको रोल करेंगे, ये देखिए एकदम टाइट करके इसे हमें रोल करना है ताकि ये बाद में ना खुल जाए। और यहाँ पे देखिए मैं एक बटर पेपर लिया है, तो रोल के नीचे बटर पेपर को रखेंगे और इसे अच्छे से हमें टाइट करके मोड़ देना है। रोल के ऊपर की तरफ ऐसे खुला ही रखना है। आप देख ही सकते हैं मैं कैसे बटर पेपर को मोड़ रही हूँ। और ये देखिए जो पीछे की एक्स्ट्रा बटर पेपर है इसे हमें अच्छे से टाइट करके मोड़ के अंदर की तरफ भर देना है ताकि नीचे से कोई भी चीज़ ना निकले। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ड्राई चिली चिकन रोल सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ठीक इसी तरह मैं दूसरे रोल को भी रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ड्राई चिली चिकन रोल की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नया नया इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप मामानिस किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ही मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ।